हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सिमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए निविया मिल्क डिलाइट फेस वॉश की एंटायर रेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसमें कई सारे फेस वॉश अवेलेबल हैं। इनमें से कौन सा फेस वॉश आपको सिलेक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, इस बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल ऑयली या फिर ड्राई स्किन है, तो इनमें से कौन सा फेस वॉश आपको बेस्ट सूट करेगा वो हम आपको बताएंगे। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है या आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन है, तो भी आप निविया का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के वीडियोस लाते हैं आपके लिए, जो आपके लिए यूज़फुल हो सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हमारे वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। ये निविया मिल्क डिलाइट फेस वॉश अवेलेबल है फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स पीपल, क्योंकि सबकी स्किन टाइप अलग होने की वजह से उनके स्किन प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए सभी को सेम फेस वॉश सूट नहीं करता है। सभी को अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी एक नॉर्मल स्किन टाइप है तो आपको ये निविया मिल्क डिलाइट फेस वॉश सैफ्रन यूज़ करना चाहिए, जो कि आपके स्किन को क्लीन करेगा और आपके फेस को ब्राइटन भी कर देगा। इसमें मिल्क और सैफ्रन यानी केसर की गुडनेस है, जो कि आपके स्किन को ब्राइट और एक हेल्दी ग्लो देगा। तो आप ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये निविया मिल्क डिलाइट बेसन फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बेसन ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को सोक कर देगा, साथ ही आपके स्किन का फेस का पीएच लेवल ये मेंटेन करेगा। आपकी स्किन आपको ड्राई भी नहीं लगेगी और ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगेगी, और इचीनेस की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी और चिपचिपापन भी आपके फेस से दूर हो जाएगा, साथ ही आपका फेस क्लीन भी हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो आपको ये निविया मिल्क डिलाइट टर्मरिक फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, यानी हल्दी का फेस वॉश, क्योंकि टर्मरिक यानी हल्दी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये आपकी स्किन से बैक्टीरिया को दूर कर देगा, जिससे आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम में बेनिफिट होगा। आपका फेस इससे क्लीन हो जाएगा और ऑयल भी रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप इन दोनों ही फेस वॉश में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। जैसे अगर आपको एक्ने कम है, सिर्फ ऑयली की प्रॉब्लम है, तो फिर आप ऑयली स्किन के लिए बेसन वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको ऑयली स्किन तो है बट ज़्यादा आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, तो फिर आप ये टर्मरिक वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ड्राई स्किन के बारे में। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ये निविया मिल्क डिलाइट हनी फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। हनी यानी शहद बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ड्राई स्किन वाले पीपल के लिए। आपकी स्किन हनी के यूज़ से बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और सॉफ्ट हो जाएगी और एक फ्रेश लुक मिलेगा आपकी स्किन को। हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, जिससे आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मिल्क की गुडनेस से आपकी स्किन क्लीन भी हो जाएगी। तो आपको ये निविया मिल्क डिलाइट हनी फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको ये निविया मिल्क डिलाइट रोज़ फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। रोज़ यानी गुलाब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सेंसिटिव स्किन पीपल के लिए। ये निविया का रोज़ फेस वॉश आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इससे आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा स्मूदनेस, सॉफ्टनेस, फ्रेशनेस आएगी और साथ ही मिल्क की गुडनेस से आपकी स्किन क्लीन भी हो जाएगी और ब्राइट भी हो जाएगी। तो आप इस फेस वॉश को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने लिए बेस्ट निविया फेस वॉश सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ये निविया के फेस वॉश आपको दो साइज़ में अवेलेबल हैं, जो कि है 50 ml की स्मॉल बॉटल और इसके अलावा 100 ml में भी अवेलेबल है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं तो आप पहले स्मॉल बॉटल 50 ml, जो कि आपको 80 rupees तक मिल जाएगी, आप उसे बाय करके उसे ट्राई कीजिए। फिर जैसे आपको
सही लगे तो आप उसकी बड़ी साइज़ परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और नायका पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये आपको लोकल मार्केट में या मॉल्स में भी अवेलेबल हो जाएगी, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप इसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना चाहते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप अमेज़ॉन पे इसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।